हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आरसे एजुकेशन हब बांसू। कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 2 बेटा। ओके, और आज हमारा जो मेथड है सेपरेशन का, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स, ऑफ ए मिक्सचर, वो हमारा मेथड आज डिस्टिलेशन। ओके, एंड अनदर वन इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। देखिए, डिस्टिलेशन एक मेथड है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, कोई भी दो लिक्विड कंपोनेंट जो कि एक दूसरे में पूरी तरह से घुले हुए हैं। देखिए, यहाँ पे बात हो रही है मिसिबल लिक्विड्स की। ओके, किसकी बात हो रही है? मिसिबल लिक्विड्स की। मिसिबल इट मीन्स दे डिसॉल्व इन ईच अदर। इससे पहले हमने बात की थी दो इमिसिबल लिक्विड्स की। इमिसिबल लिक्विड्स वो होते हैं जो एक दूसरे में घुल नहीं सकते, जैसे ऑयल एंड वाटर। ओके, आज हम बात करेंगे ऐसे लिक्विड्स की जो मिसिबल है, एक दूसरे में पूरी तरह से घुले हुए हैं। अब ये बड़ी अजीब सी बात है कि दो लिक्विड जो एक दूसरे में पूरी तरह से घुले हुए हैं, कि हम उनको भी सेपरेट कर सकते हैं। यस बेटा, न्यू टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जिससे हम दो आपस में मिलने वाले लिक्विड्स को भी सेपरेट आउट कर सकते हैं। अब देखिए, पहला हमारे पास प्रोसेस है डिस्टिलेशन। इस मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, दो मिसिबल लिक्विड्स को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं। बट द कंडीशन इज दैट, शर्त ये है, दे हैविंग सफिशियंट डिफरेंस बिटवीन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। ओके, दे हैविंग सफिशियंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट या बिटवीन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। ओके, यानी कितना डिफरेंस होना चाहिए, मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल हमने एसीटोन और वाटर लिया, हमें पता है वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस, तो एटलीस्ट एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है 75 डिग्री सेल्सियस या मोर देन 75 डिग्री सेल्सियस, सॉरी इसमें तो लेस देन होना चाहिए, क्योंकि इनका डिफरेंस क्या है, अभी तो 25 डिग्री सेल्सियस है। हम क्या कह रहे हैं कि कोई भी दो लिक्विड जिनका बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस। तो अगर इसका मान लीजिए बॉइलिंग पॉइंट इसका है 60 डिग्री, तो डिफरेंस कितना हो गया, अबाउट 40 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो ऐसे लिक्विड्स जिनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस है, ऐसे लिक्विड्स को हम डिस्टिलेशन मेथड से क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। इज इट क्लियर बेटा, अंडरस्टैंड? जनरली होता क्या, देखिए डिस्टिलेशन जब हम करते हैं तो उसमें हम एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेके चलते हैं, इस तरह का, ठीक है, राउंड बॉटम फ्लास्क लेके चलते हैं। ओके, और इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी लिक्विड जो है उसको हमें हीट अप करना होता है। अंडरस्टैंड बेटा, कोई भी लिक्विड को हीट अप करना होता है। अब क्या होगा, फॉर एग्जांपल मान लीजिए नीचे से आप फ्लेम उसको प्रोवाइड कर रहे हो, यहाँ पे जो लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 60 डिग्री है, वो पहले गर्म होगा या बाद में होगा? सिंपल सी बात है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट 60 डिग्री है वो जैसे ही 60 डिग्री टेम्परेचर पहुंचा तो वो गर्म होना शुरू कर दिया। गर्म होके क्या होगा, वो किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ही वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, हम उसको डिलीवरी ट्यूब की हेल्प से, ठीक है, डिलीवरी ट्यूब की हेल्प से हम इसको किसी और बर्तन में कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे 100 डिग्री आएगा तो उससे पहले एक लिक्विड तो ऑलरेडी गर्म होके क्या हो चुका है, सेपरेट आउट हो चुका है, ठीक है। बचा जो दूसरा लिक्विड, वो आप इसके अंदर रख सकते हैं। तो इस तरीके से ऐसे लिक्विड्स जो एक दूसरे में मिसिबल हैं लेकिन उनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कितना है, मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस, तो हम किस मेथड से सेपरेट आउट करेंगे, डिस्टिलेशन से। जैसे इसमें एक मेथड, एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है एसीटोन एंड वाटर, तो यानी आपको क्लियरली पता लग रहा है कि एसीटोन और वाटर के बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस है दैट इज मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस, क्लियर है। अब बात आती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो देखिए, इसकी एक खास बात है, तो पहली बात तो इसमें एक वर्ड अलग से जुड़ गया है, ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यानी कुछ स्पेशल है। क्या स्पेशल है, इट इज़ यूज टू सेपरेट टू मिसिबल लिक्विड्स विच हैविंग लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। यानी ऐसे भी लिक्विड होते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट में 25 डिग्री से कम का डिफरेंस है। अब क्या हम उनको भी सेपरेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, किससे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। अब ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, तो देखिए बेटा, इसमें जो वर्ड है वो है फ्रैक्शनेटिंग कोलम से, ठीक है, यानी इसमें एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है। अब ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या होता है, जनरली ये एक बॉक्स होता है जिसमें बहुत सारी कांच की गोलियां भरी होती हैं, ग्लास बीड्स, इज इट क्लियर, दिस इज फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। इसमें ये क्या है, ग्लास बीड्स, ग्लास बीड्स यानी कांच की गोलियां भरी हुई हैं। इसमें जनरली क्या होता है, सेम वही प्रोसेस है,
भाई नीचे आपका राउंड बॉटम फ्लास्क है, उसमें आपने लिक्विड फिल कर दिया, इसको आप गर्म करोगे, जब वो लिक्विड गर्म होगा तो जैसे ही वो इनको क्रॉस करेगा तो वो लिक्विड क्या हो जाएगा, कूल डाउन हो जाएगा, फिर हम उसको सेपरेट आउट कर लेंगे। अंडरस्टैंड? यानी एक लिक्विड जैसे ही स्लोली इधर से चलेगा इतनी देर में दूसरा लिक्विड भी हीट हो जाएगा, तो ये लिक्विड क्या हो जाएगा, कूल डाउन हो जाएगा इनके बीच में, और उसको हम सेपरेट आउट कर लेंगे, दूसरा जो लिक्विड है वो धीरे धीरे ऊपर की ओर एंटर होता चला जाएगा। तो ये है क्या है, फ्रैक्सियोनेटिंग कॉलम बोलते हैं इसको। यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में एक खास बात होती है कि इसमें एक फ्रैक्सियोनेटिंग कॉलम होता है। आपके एनसीईआरटी की बुक में बहुत अच्छे से उन्होंने बना के बता रखा है। फ्रैक्सियोनेटिंग कॉलम क्या होता है, एक कॉलम होता है जिसमें बहुत सारी ग्लास बीड्स फिल्ड होती हैं, जिससे कोई भी लिक्विड अगर एंटर करेगा इसमें तो वो क्या हो जाएगा, कूल डाउन हो जाएगा। अंडरस्टैंड बेटा? अब इसका एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें तो इसमें है एयर। एयर क्या है, इट इज मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस, मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस, और इस मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस को हम इसी मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। भाई कौन कौन सी गैस होती है आपको भी पता है, इसमें नाइट्रोजन होती है, इसमें ऑक्सीजन होती है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, अंडरस्टैंड, हीलियम, आर्गन, और भी बहुत सारी गैसेस हैं। ओके, तो ये सारी जो गैसेस हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत मिन्यूट डिफरेंस होता है, बहुत कम डिफरेंस होता है। यानी एयर के कंपोनेंट्स को अगर सेपरेट आउट करना है इन सबको, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी हीलियम आर्गन को, तो हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाला मेथड यूज़ करेंगे। इज दैट क्लियर? तो ये था यहाँ पे डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। डायग्रामेटिकली जब आपको मैं डायग्राम सेंड करूँगी, आई होप आप प्रॉपरली उसको समझ पाएंगे। इज दैट क्लियर बेटा? Take care, have a good day.